नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महीने के अंदर ही एक ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई है। जी हां, रविवार रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे लाइन पे रखे भरे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। बीते 17 अगस्त की रात करीब 2:30 पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। वही रेलवे ने इस हादसे में भी साजिश की बात कही है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि बीते 8 सितंबर की रात करीब 8:30 पे अनवरकगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बलराजपुर और बिल्होर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पे रखे भरे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। वहीं लोको पायलट ने बताया कि उसे ट्रैक पे कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी, जिसके बाद उसने ब्रेक मारी, लेकिन उसके बाद भी वह चीज ट्रेन से टकरा गई, जिससे काफी तेज आवाज हुई। ड्राइवर ने ट्रेन रोक के गार्ड और बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना की जांच के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS और अन्य एजेंसियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ATS की कानपुर और लखनऊ यूनिट ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अनवरगंज स्टेशन के रेलवे अधीक्षक RPF और अन्य रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर जांच की गई तो झाड़ियों में पुलिस को एक सिलेंडर, पेट्रोल की बॉटल, माचिस और बारूद जैसे कई घातक पदार्थ भी मिले। ट्रेन को आधा घंटा रोकने के बाद रवाना कर दिया गया। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने आकर जांच पड़ताल की। सभी संदिग्ध वस्तुओं को जांच के लिए भेज दिया गया। मौके पर पहुंचे एडिशनल कमिश्नर हरिचंद्र ने बताया कि जिसने भी यह किया उसे पकड़ने का काम किया जाएगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।